येत्या 3.5 वर्षात दिल्ली आणि मुंबई रस्ता पूर्ण होणार असून केवळ 14 तासात अंतर पार करता येणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. पुण्यात मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या कार्यक्रमात ते आज बोलत होते. देशात आणखीन 3 हायवे बनवण्यात येत असून 22 ग्रीन हायवेंचे काम प्रगतीपथावर असल्याचेही गडकरी म्हणाले. पुणे आणि मुंबईसारख्या शहरात उद्योग आणि व्यवसायांचे मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीकरण झाले आहे, त्यामुळे खूप मोठी समस्या झाली आहे. त्यामुळे या शहरांच्या बाहेरही उद्योग व्यवसाय जाण्याची गरज असल्याचे गडकरी यांनी निक्षून सांगितले. और ये जो हायवे हम शुरू कर रहे हैं, गुड़गांव से शुरू करके सवाईमाधोपुर अलवर और वहां से झाबुआ रतलाम वडोदरा से मुंबई, तो ये ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र होने के कारण हमने केवल लैंड एक्विजिशन पर 16,000 करोड़ रुपए बचाए हैं. तो ये हाईवे 12 लेन सीमेंट कॉन्क्रीट रोड है जो मुंबई पुणे से दुगुना बड़ा होगा और 1300 1300 साढ़े 1300 किलोमीटर तक उसकी लेंथ होगी और साधारण 13 से 14 घंटे में हम आ सकेंगे दिल्ली से मुंबई कार से. और ट्रक से आज जो साधारणतः महीने में 6 से 7 ट्रिप एक ट्रक दिल्ली से मुंबई करती है, इसके बाद वो कम से कम 3 से 4 ट्रिप पड़ेगी, तो फ्यूल भी बचेगा और कॉस्ट भी कम होगी. तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि इस हाईवे का काम भी शुरू हुआ है, 60% अवार्ड भी हुआ है और अगले 3.5 साल के अंदर हम इसको पूरा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है.